की शिवसेना 16 विधायकों के योग्यता के मामले में नार्वेकर बोले, दबाव में आकर फैसला नहीं लगेगा समय। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों के योग्यता पर फैसला लेने से पहले ये देखना होगा कि जुलाई 2022 में कौन सा गुट वास्तविक शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसके लिए पार्टी के संविधान और इतिहास को भी देखना होगा, पार्टी व्हिप का मामला भी देखना होगा, इसके बाद ही विधायकों की योग्यता पर निर्णय लेना संभव होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंधी गुट के चीफ व्हिप पद पर भारत गोगावले की नियुक्ति को स्थायी रूप से रद्द नहीं किया। क्या बोले राहुल नार्वेकर? विधानसभा अध्यक्ष ने विधान भवन के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना का नाम और निशान देने का निर्वाचन आयोग का फैसला पूर्व प्रभावी फैसला नहीं है, बल्कि यह भविष्य पर आधारित है। इससे पहले सोमवार को एयरपोर्ट पर पत्रकारों से विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले के बाद उन्हें किसी अन्य फैसले पर आगे बढ़ने से पहले सदन में यह जानना होगा कि शिवसेना का कौन सा गुट राजनीतिक दल है। नार्वेकर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव और शिंदे फडणवीस सरकार के विश्वास मत हासिल करते समय शिवसेना पर किसका नियंत्रण था, कितने जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का समर्थन किसे मिला था, साथ ही शिवसेना के इतिहास में जाना होगा, शिवसेना का संविधान क्या कहता है, उसके पदाधिकारी और निर्णायक मंडल में कौन है, इसकी बारीकी से जांच की जाएगी, इसके बाद ही निर्णय लिया जा सके, संभव है इसमें वक्त भी लगे। फरवरी 23 में सिंधी की हुई शिवसेना, पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक 39 अन्य विधायकों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी, जिससे शिवसेना बट गई थी। बाद में शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उन्हें विधानसभा में अलग से मान्यता नहीं मिली है। इस साल फरवरी में निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना नाम और उसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण दे दिया था।